शहर का जुबली पार्क इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पार्क का मुख्य गेट बंद करने, वाहनों की आवाजाही रोकने के साथ ही मॉर्निंग वॉकर्स के पार्क में घुसने पर पहचान पत्र की बाध्यता का मामला अभी शांत हुआ ही न था कि पार्क के अंदर की मुख्य सड़क की कटाई एवं घास बिछाए जाने का मामला सामने आ गया। इस मामले की तुल पकड़ने के बाद सोमवार की सुबह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पार्क का अचानक से निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पाया है कि जिसको के कर्मचारियों की ओर से पार्क की मुख्य सड़क को कुछ दूर तक काट कर उस पर मिट्टी डाली जा रही है, साथ ही पार्क के अंदर अन्य काम कराए जा रहे हैं जो सरासर गलत है। कई दिनों से अखबारों में निकल रहा था कि जो भी पार्क का रास्ता बंद हो गया है, वहाँ जाने के लिए लोगों को बैरिकेड के जल्दी छुप कर जाना पड़ रहा है। एंट्री पॉइंट पर आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ के उपायुक्त से बात किया था 3 दिन में, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं आदेश कर दूँगा। और प्रेस में भी उन्होंने अपने ऑफिस से समाचार भेज दिया। अब फिर लोगों ने बताया कि मेन रोड ही काट दिया है, फिर लगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो कड़वी लगती है, मगर सच्चाई तो यही है। शासन तो देश में चुनी ही सरकार का ही है, चाहे सरकार चलाने वाले जैसे भी हों, संविधान है, नियम है, कानून है, सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। एक बार उन्होंने अपने अफसरों के घर के सामने वाले रोड को बंद किया था, जवाहरलाल शर्मा जी हाईकोर्ट ने आदेश दिया आप खोल दीजिए। तो आम जनता को थोड़ी कठिनाई हो वह काम करने में, पता नहीं क्यों टाटा स्टील के प्रशासन का जो उसको है क्यों पता नहीं अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। और पीड़ा कार्रवाई करने से बचना चाहिए, मैंने अपनी आँख से देखा है। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है इस देश में व्यावसायिक कंपनी इस तरह से नहीं कर सकती है। जो कि पार्क बना था एक उद्देश्य था, आम जनता के लिए था, और आज अचानक इनको लगता है कि कल ये इसमें चारों तरफ म्यूजियम खड़ा कर देंगे और परसों से उसके लिए पैसे वसूलने लगेंगे। नियम कानून है, नियम कानून के तहत नहीं किया है, उसके किस प्रावधान में ऐसा करने का अधिकार होता है ये बताना चाहिए जनता को। हमको लगता है कि ऐसा छोटा मोटा काम करके वे एक संकेत देते हैं कि लोग इस पर चुप रह जाएंगे तो आगे और इसी तरह का बड़ा काम करेंगे, पूरा रोड ही उखाड़ देंगे। तो जनता जो कहती है पार्क में बेचैन है, फर्क किया था। और मुझे लगा कि भाई इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर चुप या उनकी मिली भगत है, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ के मौसम में चले गया। जिस दिन पहले दिन जिस दिन खोला गया था पार्क को, पार्क को आवाज़ उठाई पार्क खोला, तो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, खुद ही आए थे और एंट्री कार्ड दिखा दिखा के मुझे लगता है कि बेचैनी जनता की ही है। और जनता देख रही है कि हमारे जो वो हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं डाल रही है, शासन सरकार